नमस्कार, कक्षा 6 हिंदी में आज हम पाठ 7 बुझो तो जाने पहेलियां हैं उनके प्रश्न देखेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न है, तो इसमें हरियाली कौन फैलाते हैं, तो इसमें उसका उत्तर है बी पेड़। दूसरा है भूतल के रखवाले कौन है, तो डी पर्वत। 3 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो पर्वत से। चौथा है तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है, हाथ। 5वां है प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं, 5। कौन कभी पतला और कभी मोटा होता है, तो चांद। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो नदी के पानी से खेतों की सिंचाई हो जाती है। दूसरे रिक्त स्थान है पर्वतों पर बड़ी संख्या में पेड़ उगते हैं, चांद बच्चों का मामा है। 4वां है तरबूज सबकी प्यास बुझाता है और चिड़िया गगन की सैर करती है। इसी प्रकार सही वाक्यांश में ऐसे आपको विधान पूर्ण करने हैं, तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया है, वो देखकर आपको लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 4वां है उसका जो पहला प्रश्न है कि पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं, तो पेड़ हमें फल फूल लकड़ी बीज छाल देकर सुखी बनाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि पर्वत किन के उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल यानी कि जहाँ से उसका उत्पन्न होता हो, तो नदियों का उद्गम स्थल कौन है, पर्वत है, जहाँ से वो उत्पन्न होती है, इसलिए पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। नदी की क्या विशेषता है, तो नदी की विशेषता यह है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती, नदी का पानी लोगों के लिए है, लोगों की प्यास बुझाने के लिए है और लोगों के कई तरीके से पानी का काम आना, ये नदी की विशेषता है। 4वां प्रश्न है तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है, तो तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल तथा रस भरा होता है। 5वां है प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं, तो एक हाथ की 5 उंगलियां हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हाथ को सेवक बताया गया है, तो प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक है, उंगलियों को सेवक बताया गया है, तो प्रत्येक हाथ के 5-5 सेवक हैं। 6वां प्रश्न है चिड़िया की क्या विशेषता है, तो चिड़िया की विशेषता यह है कि वह जल्दी उठ जाती है, जरा भी आलस नहीं करती और कुछ न कुछ करती रहती है। प्रश्न 5वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो पहला जो प्रश्न है उसमें कि पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं, तो पहेली में पर्वत कहते हैं कि हर पत्थरों के जंगल जैसे हैं। उत्तर है कि पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं, वन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है, हमसे ही नदियां और झरनों का जन्म होता है, हम इस भूतल के रखवाले हैं। दूसरा प्रश्न है नदियां अपने बारे में क्या कहती है, तो नदियां कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती हैं, हम सारी दुनिया को पानी देती है, हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं, नाविक हमारे पानी में नावें चलाते हैं, हम अपने ढंग से बहती है, यानी वो अपना मार्ग खुद तय करती है, इस प्रकार नदी अपने बारे में बताती है। प्रश्न 6वां है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, तो पहला जो है समानार्थी शब्द है पहेली, तो पहेली के लिए उसका अर्थ है, दूसरा शब्द है समान अर्थ वाला अर्थ है समस्या। तन यानी शरीर बदन, हस्त हाथ कर, भूतल यानी धरती का जो ऊपरी भाग होता है उसे भूतल कहते हैं और सतह भी कहते हैं। निम्नलिखित 7वां प्रश्न है कि वाक्य में से विशेषण छाटिए, हमने विशेषण के बारे में जानकारी आपको दी थी, उसी प्रकार से कक्षा में 4 बच्चे हैं, तो 4 है वो संख्यावाचक विशेषण है। नीम की पत्तियां कड़वी लगती है, तो नीम की पत्तियां कड़वी जो है उसका गुण है, इसलिए कड़वी शब्द है वो गुणवाचक विशेषण होगा। नदी में काला पानी है, तो पानी काला है इसलिए काला शब्द है वो विशेषण शब्द कहलाएगा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो बगीचा कैसा है, बड़ा, इसलिए बड़ा शब्द है वो, उसकी विशेषता है बगीचे की, इसलिए बड़ा शब्द विशेषण शब्द है। बाजार में पीले केले मिलते हैं, तो केले का रंग पीला है इसलिए विशेषण शब्द है वो पीला आएगा। उसके बाद जो निम्नलिखित शब्दों के शब्द कोश के क्रम में लिखिए, तो
सबसे पहले पूनम पतला चिड़िया पेड़ नदी कांटे पक्के पानी। इस प्रकार से हमें इसकी शब्द कोश के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क से शुरू होगा तो कांटे, फिर चिड़िया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और पेड़। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको नौवा प्रश्न है कि इस वाक्य में से फल या सब्जी के नाम ढूंढकर लिखना है। तो पहले तो पहली दृष्टि में आपको समझ में नहीं आएगा, पर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सब्जी और आम के सब्जी और फल के नाम छिपे हैं। तो पहले में आम है, इसलिए पहला जो शब्द वाक्य है कि इधर आ मत जा, तो इधर आ मत जा यानी आम, उसमें से हमने शब्द निकाला है, वो फल का नाम है। अंदर आ लू लग जाएगी, तो आलू शब्द सब्जी का नाम है। तीसरा है जयपाल आया था, तो पालक, उसमें से जय निकाल के पा और कल में से ल निकाल दो तो पालक बन जाएगा। इस प्रकार उसमें पालक सब्जी का नाम है। फिर चौथा है संतराम आया आ गया, तो संतरा जो है वो फ्रूट है यानी फल है। शैलजा मुनमुन से मिली, तो जामुन, उसमें से जामुन शब्द निकलता है, फल का नाम है। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो मटर, सी मट में से सी निकाल दो और रहा है में हाँ निकाल दो, मटर हो जाएगा। इस प्रकार इस वाक्य में से हमने आलू, पालक, संतरा, जामुन, मटर, सब्जी और फल के नाम ढूंढे। प्रश्न दसवा है कि नीचे दी गई वर्ग पहली में से सार्थक शब्द घेरा बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कोष्ठक में निशानी कर दी है, मधु है, बादल है, मध है, सरल है, मामा है, सावन है, तीर्थ है और नदी है। इस प्रकार सामने आपको इसके नाम लिखने हैं। और ग्यारहवा प्रश्न है, विराम चिन्ह लगाना है, तो वाक्य में आपको योग्य विराम चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर हमारा जो पाठ है सातवा, उसकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।